हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स का अध्याय एक उसकी प्रश्नावली 1.2 करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन बनाई थी और एक्सरसाइज 1.1 बनाई थी, आप जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे और अंतिम दिन खिड़की का क्रमशः इतना, यहां पे नंबर दे रखे हैं, टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक जगह पे स्कूल में क्या थी, प्रदर्शनी थी, 4 दिन वहां पर टिकट बेचे गए खिड़की पर, और कुल संख्या ज्ञात करनी कि 4 दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए। तो पहले दिन बेची गई टिकटों की कुल संख्या ये है, दूसरे दिन टिकटों की बेची गई संख्या यहां लिखी हुई है मैंने, तीसरे दिन टिकट इतने बिके और चौथे दिन टिकट इतने बिके। तो 4 दिन में बेची गई टिकटों की संख्या, चारों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारा टोटल आ गया कि 4 दिन इतनी टिकट हमारी बिकी। यहां पर लिखा हुआ ना, ये पहले दिन की है, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे दिन की है, उसके बाद ये अंतिम दिन की है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है और वह इतने रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अब शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है, ठीक है, और उसको इतने रन अभी बनाने हैं, वो पूरे करना चाहता है, यहां तक आना चाहता है, इतने वो बना चुका है, तो उसको कितने और रन चाहिए। शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है, शेखर अब तक इतने रन बना चुका है, 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक है 10,000 में से जितने उसने रन बना लिए उसको माइनस कर दो, तो इतने रन की उसको अभी भी आवश्यकता है, ठीक है। तीसरा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ये देखो, एक सफल प्रत्याशी है, उसने इतने रन प्राप्त किए, लेकिन जो उसके पास का जो प्रतिद्वंद था उसने इतने मत प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि जो जीता है वो कितने मतों से जीता है, जितने जो उसका पास वाला निकटतम प्रतिद्वंदी था उससे उसने कितने ज्यादा मत प्राप्त किए हैं, यानी कि इसके पास जो मत है वो कितने ज्यादा है। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए वोट इतने, जो सफल ने प्राप्त किए, जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने इतने वोट प्राप्त किए थे, और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए उसने कितने ज्यादा प्राप्त किए, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस किया तो हमारा आंसर ये आ गया 228,800। तो सफल प्रत्याशी ने 228,800 मतों से जीता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रश्न 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून में प्रथम सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, इतने मूल्य की जून में उसने, और इसी माह में दूसरे सप्ताह में उसने इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है। जून में उसने पहले वीक में, फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स बेची, प्रथम सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में उसने इतनी बेची, तो कुल कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक और कितनी अधिक हुई, ठीक है, कौन से सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई ये भी बताना और कितनी ज्यादा हुई। तो प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री हुई इतनी, दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री हुई इतनी। अब जो दोनों सप्ताह में कितनी हुई, पहले उनको प्लस कर लेंगे दोनों को, कि दोनों सप्ताह को मिलाकर इतनी बिक्री हुई, दो सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री इतनी हो गई जो हमने निकाली है, ठीक है। चूंकि 4,778 ज्यादा है, इसको भी हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4,778 ज्यादा है किससे, 2,85,891 से ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि ये ज्यादा है और ये कम है, दूसरे सप्ताह की बिक्री ज्यादा है प्रथम सप्ताह से, ठीक है, दूसरे सप्ताह की बिक्री ज्यादा है,
उनकी बिक्री में अंतर निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। जब दोनों को माइनस किया तो हमारा आ गया 1,14,877, यानी कि दूसरे सप्ताह की बिक्री पहले सप्ताह की बिक्री से 1,14,877 रुपये ज्यादा हुई है। ठीक है, वैसे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि दूसरे सप्ताह बिक्री ज्यादा हुई है। कितनी ज्यादा हुई है उसके लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद है प्रश्न 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दे रखे हैं इससे हमें एक संख्या बनानी है, और जो संख्या बनानी है उसमें वो नंबर जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें संख्या बनानी है उसकी। तो उसके बाद जब संख्या बना लेंगे तो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है, यानी कि इसी से हमें बड़ी संख्या भी बनानी है और इसी से हमें छोटी संख्या भी बनानी है। तो ये जो हमें नंबर दे रखा है 6, 2, 7, 4 और 3, इसके लिए सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, 7 पहले आएगा, मतलब कि 7, 6, 4, 3, 2, इस तरीके से। जब छोटी बनाएंगे तो 2 पहले, 2, 3, 4, 6, 7, उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जब छोटी बनानी होगी तो पहले 2, 3, 4, 6, 7, उसका ऑपोजिट उल्टा, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ये है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6, एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेज बनाती है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। एक मशीन औसतन एक दिन में, ये एक दिन का बता रखा कि एक दिन में इतने बनाती है, तो जनवरी 2006 में, यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में तो इतने पेज बनाती है, तो 31 दिन में कितने पेज बनाएगी। इनका कहने का मतलब ये है, जनवरी 2006 का मतलब है जनवरी में तो हमारे 31 दिन ही होते हैं, तो कितने बनाएगी। तो एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या इतनी है, जनवरी 2006 में मशीनों के द्वारा बनाई गई संख्या जो हमने एक दिन में बनाए उसको 31 से गुणा कर देंगे, तो 31 दिन में हमारे बनेंगे इतने पेज। ठीक है, तो 31 दिन की, जनवरी 2006 में मशीन ने इतने पेज बनाए। प्रश्न 7 देखते हैं आगे। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए है। ठीक है, एक व्यापारी के पास इतने रुपए हैं, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और एक जो रेडियो है वो 1,200 का है। इस खरीदारी के बाद में उसके पास कितनी धनराशि शेष जो है वो शेष रहेगी उसके पास, यानी कि उसके पास इतने पैसे हैं और एक रेडियो 1,200 का है, तो 40 रेडियो उसको खरीदने हैं। 40 रेडियो खरीदने के पास उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो हमें इसके अंदर बताना है। पहले तो हमें ये बताना है कि 40 रेडियो कितने के आएंगे, 40 रेडियो की कीमत भी बतानी पड़ेगी, एक रेडियो की कीमत तो हमें दे रखी है। तो व्यापारी के पास कुल कितनी धनराशि है वो लिख दिया, एक रेडियो की कीमत कितनी है 1,200 वो भी लिख दिया, 40 रेडियो कितने के होंगे, 1,200 को 40 से गुणा करेंगे 48,000 के हो जाएंगे, कितने 40 रेडियो, 40 रेडियो की कीमत 48,000 रुपये आ गई। तो व्यापारी के पास जो 40 रेडियो खरीदने के लिए जो बनी जो शेष राशि है उसके पास इतने पैसे थे, 40 रेडियो 48,000 के हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो उसके पास 30,592 रुपीज जो है वो रुपये जो है वो बचेंगे। ठीक है, इसलिए उनको खरीदने के बाद बचे रुपए इतने हैं। ठीक है, प्रश्न 8, एक विद्यार्थी ने इतने को, मतलब 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। एक विद्यार्थी ने इसको गुणा किससे करना था, इससे, और गुणा कर किससे दिया, इससे कर दिया, तो जो उसका उत्तर है वो सही उत्तर कितना अधिक, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। दोनों गुणों गुणा का करना, दोनों को गुणा करना आवश्यक है ये जानने के लिए। देखो,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक विद्यार्थी को जो है गुणा इससे करना था लेकिन उसने इससे कर दिया, तो इसको जो सही तरीका है इसका करने का वो हम इस तरीके से करेंगे। देखो एक तो तरीका या तो ये हो सकता है कि आप इस नंबर को पहले इससे गुणा कर लो, फिर इस नंबर को आप इससे गुणा कर लो, जो दोनों के आंसर आएंगे आप उन दोनों को माइनस कर दो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में। आप इस तरीके से करो इसको, हमें अभिशिष्ट अंतर जानना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों में अंतर जानना है। ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 7236 को हमने 56 से मल्टीप्लाई गुणा किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो नंबर हैं, ये 7236 ये दो जगह पर है तो हमारा एक कॉमन आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेंगे और 65 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 9। तो अब हम 7236 को 9 से गुणा करेंगे तो 65124 जो है वो अंतर आएगा। ठीक है, 65224 का अंतर आएगा, यानी कि जो विद्यार्थी ने इस नंबर को इससे गुणा करना था लेकिन उसने इससे गुणा कर दिया तो 65124 का अंतर आ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से करोगे इजी रहेगा और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, सिर्फ आपको इस नंबर को सिर्फ 9 से गुणा करना होगा। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, एक कमीज सीनी है और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच सकता है। एक कमीज का कपड़े की बता रखा है, एक कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो 40 मीटर कपड़ा है टोटल, उसमें से कितनी कमीजें सी ली जा सकती हैं, उसके लिए कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा है 40 मीटर। ठीक है, मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 40 मीटर में 100 को 40 से गुणा कर देंगे तो 4000 सेंटीमीटर हो गए, यानी कि कुल कपड़ा कितना है, 4000 सेंटीमीटर है। एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, एक कमीज के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, ये तो पहले से सेंटीमीटर में है तो 200 को और 15 को जमा कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर। अब यानी कि 4000 मीटर हमारे पास कपड़ा है और सॉरी 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है और 215 सेंटीमीटर एक कमीज में लगता है, तो कुल कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है, तो 4000 को हम 215 से जो है वो भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको भाग करके दिखाया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आया, 18 के बाद जो नीचे बचा है वो 130, यानी कि 18 कमीजें सिली जा सकती हैं और 130 कपड़ा जो है वो शेष बच जाएगा। अतः 18 कमीजें सी जा सकती हैं तथा बचा हुआ कपड़ा है 130 सेंटीमीटर, अगर हम मीटर सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हो या फिर सिर्फ आप 130 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है प्रश्न 10, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है, एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। क्या लिखा है, दवाइयों के बॉक्स में, दवाइयों को बॉक्सों से भरा गया, यानी कि जो बॉक्स है वो दवाइयों से भरे हुए हैं और जो एक बॉक्स है उसमें 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है हर एक बॉक्स में, जो वैन है वो 800 ग्राम से ज्यादा उसमें आप बॉक्सेस नहीं रख सकते, 800 ग्राम से ज्यादा का सामान नहीं रख सकते, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं वैन में। तो पहले हम देखेंगे इसमें कि वैन जो है वो 800 किलोग्राम का भार ले जा सकती है, 800 किलोग्राम का मतलब है 8000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 8 किलोग्राम को 8 को 1000 से करेंगे तो 800 ग्राम आएगा, यानी कि एक वैन में 800 ग्राम का भार जा सकता है। और जो एक पैकेट का वजन है वो 4 किलो और 500 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम को भी हम किसमें बदल लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे, तो 4 किलोग्राम 4000 ग्राम में बदल जाएगा और ये तो 500 पहले से, दोनों को जमा कर देंगे तो बन जाएगा 45000 ग्राम। भार कितना ले सकती है वैन, 8000 ग्राम का, और एक पैकेट का कितना है, 45000 ग्राम,
तो दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहां पे हमने भाग दिया, तो जो पैकेट है, जो वैन पैकेट लेके जा सकती है वो 177, ठीक है, 177 जो है वो पैकेट लेके जा सकती है वैन। बाकी के जो है वो उसमें नीचे जो है वो यहाँ जो है ये हमारे बच जाएंगे। तो इतने जो है वो हमारे लेके जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी किलोमीटर 1 किलोमीटर 875 मीटर है प्रत्येक दिन। यह दूरी 2 बार तय की जाती है, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि जो एक विद्यार्थी है वो स्कूल जाता है कितनी दूरी तय करके, 1 किलोमीटर 875 मीटर दूरी तय करके वो जाता है, वो वापिस भी आता है। ठीक है, तो डबल हो गया उसका, 1 किलोमीटर 875 का डबल हो गया आना जाना। तो 6 दिन में वो विद्यार्थी कितनी दूरी तय कर लेगा, 1 दिन में तय की गई दूरी इतनी है, दो दो बार जाता है, जाना और आना दोनों तरीके से विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 1 किलोमीटर 875 को 2 से गुणा कर देंगे तो डबल आ जाएगा, यानी कि 3775 एक दिन में दूरी तय करता है, एक दिन में। तो 6 दिन में कितनी करेगा, 1 दिन में तय की गई दूरी और 6 दिन में, तो 3 किलोमीटर 750 को 6 से गुणा कर देंगे, तो इसको जब इससे गुणा किया तो 22,500 किलोमीटर जो है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी जो है वो 6 दिन में तय करता है। ठीक है, उसके बाद 12। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिली लीटर दही है, 25 मिली लीटर धरिता वाले कितने गिलासों में इसे डाला जा सकता है, भरा जा सकता है। अब एक बर्तन में जो है इतने दही है, ठीक है, और 25 मिली लीटर यानी कि छोटे छोटे गिलास है, 25 मिली लीटर के गिलास है, और जो एक बर्तन है उसमें दही कितना है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है और गिलास है छोटे छोटे 25 मिलीलीटर के, इतने इतने छोटे छोटे गिलास है, तो उनमें कितना कितना दही जो है वो उसमें जो है वो डाला जाएगा, यानी कि 25 गिलासों में कितना दही आएगा, टोटल दही हमें यहाँ पे दे रखा है। बर्तन की जो धरिताएं कि वो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी कि इतना दही है एक बर्तन में, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर 4,000 मिलीलीटर बन गया, ये पहले से मिलीलीटर में, तो 45,000 मिलीलीटर जो बर्तन की धरिता या फिर आप ये कह सकते हो 45,000 मिलीलीटर दही है। ठीक है, और ऐसे गिलास है, गिलास की जो धरिता है वो 25 मिलीलीटर है। बर्तन में से दही से भरे हुए गिलासों की संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों को भाग दे देंगे, तो इसका मतलब यह है जब हमने भाग दिया तो 180 गिलास जो हैं वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को भाग देने के बाद हमें पता चला कि 180 गिलास भरे जा सकते हैं 25 मिलीलीटर के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है, हमारी जो प्रश्नावली 1.2 वो हमारी कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप हमारी सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।